राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। बलरामपुर जिले के वाडर नगर पुलिस चौकी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी हुई। बता दें कि मुखबिर के सूचना के आधार पर जानकारी मिला था कि बनारस मार्ग से दो इको के द्वारा मोटरसाइकिल वाहन से कोरेक्स ले जाया जा रहा है। जानकारी मिलते ही वाडर नगर पुलिस चौकी ने घेराबंदी करते हुए गांधी चौक वाडर नगर में दोनों इको को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों इको के पास से काले रंग के बैग से 34 नग कोरेक्स व एक मोटरसाइकिल वाहन जब्त किया है। वही बता दें कि एसडीओपी वाडर नगर ध्रुवेश जायसवाल, थाना प्रभारी बसंतपुर राजकुमार लहरे, चौकी प्रभारी वार्डन फंगर केपी सिंह के नेतृत्व में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दोनों आरोपियों को संबंधित धाराओं के तहत जेल भेज दिया गया है। दिनांक 31/7/2021 को चौकी वार्डन नगर क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि प्रतापपुर निवासी संजय विश्वकर्मा तथा हरिफ अंसारी कुचा के द्वारा कॉन्ट्राबैंड मेड से कोडेक्स बिक्री हेतु रखा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री रतनलाल ढाली सर, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री रामकृष्ण साहू सर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री प्रशांत कतलम सर का स्पष्ट निर्देश था कि नशा व्यापारियों पर त्वरित कार्यवाही की जाए, जिस पर चौकी वाडस नगर की टीम के द्वारा रेड कार्रवाई की गई तथा उक्त दोनों व्यक्तियों को कब्जे से कॉन्ट्राबैंड मेडिसिन कोडेक्स 34 नग जब्त किया गया। यह अतिरिक्त नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 की धारा 21C के तहत अपराध पाए जाने से दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर